ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, अच्छा कर रहे हो गए फ्रेंड्स। आज मैं एक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, ठीक है, उनके एक्शंस देखेंगे अगर कुछ है तो। लव ओरेकल से देखेंगे, लव ओरेकल से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, और फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स कि क्या है, ठीक है। सो ये आज का इस पूरी रीडिंग का एजेंडा रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज नए हो, मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, या कुछ लोग जो रेगुलरली वॉच तो करते हैं वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं और मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। सो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब कमेंट करके बताया करें कि वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों का फीडबैक मुझे हमेशा चाहिए। प्लस अगर कोई नया टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, अगर आपको कोई अलग से लगता है कि आप लोगों को चाहिए। और दूसरी बात कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं। नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते ही फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आगे मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर पे मैं ही बात करूँगी, मैं ही कांटेक्ट करूँगी, मैं ही आपसे सारी कॉन्वर्सेशंस करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो और दूसरी सबसे लास्ट बात कि ये सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, ठीक है। आप अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, जिससे जितनी रेजोनेट हो प्लीज उतनी लीजिएगा। कमेंट में ये मत कहना कि आपने गलत बोला, ये बोला। देखिए, जो कार्ड्स में आया मैंने वही बताया, कुछ भी मन से नहीं बताया, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं होगी, होप आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पाइसिस, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो फ्रेंड्स। सो देखते हैं, द टावर का कार्ड है फ्रेंड्स, टेन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कॉइंस, द डेविल। सो पाइसिस, सिचुएशन तो थोड़ी ख़राब ही दिख रही है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही द टावर का कार्ड है रीडिंग में उनके। यह है रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग उन्होंने एक ब्रेकडाउन आया है, चाहे वो उनकी तरफ से हो, चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरफ से एक ब्रेकडाउन, स्ट्रांग ब्रेकडाउन आया है। और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे हैं, बार बार पुरानी बातों को रिपीट करना, बार बार उन्हीं चीज़ों पे बोलना। अगर देखो आप दोनों अभी बातचीत कर रहे हो तो मुझे तो ऐसे लग रहा है झगड़े पे झगड़े ही हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों का कुछ सॉर्ट आउट हो गया होगा या सॉर्ट आउट मूवमेंट में चल रहा है, क्योंकि आप भी मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े को झेल पा रहे होगे। क्योंकि जब ऑब्वियसली टावर मूवमेंट आता है इंसान की लाइफ में तो चीज़ें सारी बिखर जाती हैं, चीज़ें टूट जाती हैं, रिलेशनशिप में एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पे कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। और या तो ये टावर मूवमेंट इनकी किसी एडिक्शन की वजह से आया, बहुत ज़्यादा ये एडिक्ट हैं किसी चीज़ों में, किसी, या तो लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स आए तो मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े लगाए हैं जिसने, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर पार्टीज़ करते हैं ये, या फिर ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं जिस चीज़ से आप दोनों के बीच में आया है। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। देखिए, ये टावर मोमेंट शायद आप की वजह से आया हो, आप करते हो, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। फीलिंग्स में इनके अभी है
एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म करना चाहते हैं, डेथ का कार्ड या फिर कहीं ना कहीं वो नहीं आया कि डेड एंड आ जाए, टेन ऑफ सोर्ड्स आ जाए, वो सब कार्ड्स अभी तो नहीं आए। इंटेंशन वाइज देखती हूँ मैं क्या है इनकी इंटेंशंस, क्या है एग्जैक्टली ये सब बिहेवियर की। देखो थ्री ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स, तो मुझे जहाँ तक इनकी दिख रहा है, जो कुछ भी इन्होंने ये लड़ाई झगड़ा इस नेगेटिविटी की वजह से आपके साथ कर तो लिया, अब इनको उस चीज़ का पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि गिल्ट के कार्ड्स आए हैं, स्ट्रेसफुल कार्ड्स आए हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स से शायद ये रोते पिटते भी होंगे, मतलब इनकी पूरी लाइफ हिल गई है, ऐसे वाले जोन में है। और जहाँ पर ये मिलजुल कर आपके साथ बहुत अच्छे से एक बॉन्डिंग मेंटेन करके चल रहे थे, वो बॉन्डिंग एकदम पूरी वो बनी बनाई इमारत इनकी गिर गई है, वो वाला जोन है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं, इनफैक्ट बर्डन जैसा फील होता है इन्हें कि इन्होंने रिलेशनशिप का मजाक बना के रख दिया, रिलेशनशिप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतने झगड़े तो थे ही नहीं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ज़बरदस्त लेवल ऑफ झगड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। और ये करंट फीलिंग्स है, तो ये करंट में ही हुआ है ये सब, ऐसा नहीं है कि ये 10 साल पहले की लड़ाई है या 2 साल या 6 महीने पहले की, मतलब काफ़ी झगड़े होकर ही चीज़ें आपकी, और या तो ये लड़ाई झगड़े हुए हैं और ये झगड़ों का असर अभी भी दिमाग पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इन झगड़ों का, ठीक है। पाइसिस, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। अब मैं जल्दी से लव ओरेकल से उनके लिए आपके लिए देखती हूँ, लव ओरेकल आपको क्या कहना चाहता है ऐसी सिचुएशन में, लव ओरेकल के मैसेजेस देखते हैं। सो ओनली टाइम विल टेल, तो कुछ चीज़ों को आप वक्त पे छोड़ दें पाइसिस, आप भी अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आप इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने भी मतलब अति हो गई आपकी भी, तो आप इतना क्यों सोचें, ठीक है, थोड़ा वक्त पर छोड़ दें, आप भी मत इतना सोचें, इतना लड़ाई कोई कर रहा है तो। दूसरा है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट एंड क्रिएटिंग रूम एंड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो इमेजिन करें कि जितने भी ये गलत विचार हैं, गुस्सा है, स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ हैं, ये सारी एक रोशनी बन गई है, और कहीं ना कहीं ये नई चीज़ों की, नई पॉसिबिलिटीज़ की, नए लोगों की, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक रास्ता खोल रही है, ये आपको रास्ता दिखा रही है। इस तरीके से चलें, तो वक्त को ना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश ना करें, रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, सो जाने दें। अगर इस टाइम आप ज़्यादा ना सोचें ना, क्योंकि जैसे दिखा है कि एक टावर मूवमेंट आया, तो जब एकदम से चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो उस टाइम ज़रा शांत होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तूफान के बाद ना ज़रा शांत रहना चाहिए, ज़्यादा उस टाइम चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले चीज़ों को समझ लें, ठीक है। देखते हैं डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है और 6 नंबर का कार्ड है, आगे चल के आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर टीम वर्क करके चीज़ों में विक्ट्री एंड सक्सेस पाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें, मैंने आपको कहा ना पेशेंस रखें। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का, तो आपको जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप, अगर आपको आज लग रहा ना ये रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो हो गया, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ज़ीरो कर लें। आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप काम नहीं करते, अपने घर परिवार को ही देखते हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम ही है, कोई छोटा काम नहीं है, उस पे ध्यान दें। अपने आप को पूरा डिवाइन से कनेक्ट करें, ठीक है, आपके लिए अच्छा ही लिखा है आगे, आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, खुद के ऊपर भी। आप भी दोनों कार्ड्स कितने अच्छे हैं कि रिवॉर्ड भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगी, तो पेशेंस रखना है पाइसिस। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे रेजोनेट करें हों। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लेम करके मुझे कॉमेंट में बताना क्या ये सब मैच हुआ है, और पर्सनल रीडिंग अगर आप लोगों को करानी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।